करें शुरू। नाम सबको पता चल गया मेरा शायर, ठीक है, रियल नेम में कुछ रखा नहीं है, ठीक है, तो स्टार्ट करते सीधे ना। अब मुझे ये नहीं पता लिटरली कि मैं शायरी लिखता हूँ, नज़्म लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, मैं बस लिख देता हूँ, ठीक है, तो कोई माइंड मत करना, ठीक है। हाँ, मतलब मेरे को नहीं पता नज़्म बोलता है शायरी बोलता है, बस लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि तुम इबादत में मेरे लिए दुआ मांगती हो या बददुआ करती हो। क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं उससे कि तुम इबादत में मेरे लिए दुआ मांगती हो या बददुआ करती हो, जिस पल मैं रोने के लिए कोना ढूंढता हूँ तुम उस पल क्या करती हो। दूसरी है, इजहारे इश्क की वो रात थी जब हमें सुकून नींद आई थी। मतलब ये एक रात है जिस दिन उसने मुझसे कहा था कि जो भी है, मतलब ऐसा था नहीं, मैं बस एक सपनों में था, ठीक है, कुछ है नहीं ऐसा। तो इजहारे इश्क की वो रात थी जब हमें सुकून नींद हुई, फिर ये रात दोबारा कहाँ नसीब हुई, ठीक है। दूसरी है, वो चांद अपने तारे से खुश हो, ऐ खुदा ऐसी कोई रात क्यों नहीं करता। वो चांद अपने तारे से खुश हो, ऐ खुदा ऐसी कोई रात क्यों नहीं करता। कोई उसके गालों की, कोई उसके बालों की बात करता है, कोई उसके हाल के बारे में बात क्यों नहीं करता। अगली है, यहाँ वहाँ हर कोई शायर की नज़्म गा रहा है, मतलब अपना नाम, ठीक है, यहाँ वहाँ हर कोई शायर की नज़्म गा रहा है, मुझे तुझसे इस जन्म नाराज़ ही रहना पड़ेगा, मेरा लिखा हुआ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। एक है अगली, वो जो तुम्हारा शोहर है हमसे अच्छी मोहब्बत करता है क्या। वो जो तुम्हारा शोहर है हमसे अच्छी मोहब्बत करता है क्या। तुम्हें छूने से पहले मैं 100 दफ़ा सोचा करता था, क्या वो भी ये सब सोचता है क्या। बिछड़ते वक्त तो हर कोई रोता है, बिछड़ते वक्त तो हर कोई रोता है, तुम ये बताओ निकाह के बाद तुम्हारा दिल मेरे लिए रोया है क्या। अगला, ये बेवफाई शब्द मुझे मेरा किरदार बताती है। अपने लिए मतलब, अपना गलत पोएट कर रहा हूँ, ज़रा सुनना। ये बेवफाई शब्द मुझे मेरा किरदार बताती है, मेरी बच्चलन हरकतें मुझे इंसान घटिया मगर शायर सच्चा बनाती है। अगला है, ऐसा नहीं कि मुझे ये बात परेशान नहीं करती, ऐसा नहीं कि मुझे ये बात परेशान नहीं करती, लोगों की बददुआ तक लग जाती है और मेरी दुआ काम नहीं करती। अगली है, तेरी खुशबू के पीछे ना जाने ये दिल कितने ही अनजान शहर में हो आता है। तेरी खुशबू के पीछे ना जाने ये दिल कितने ही अनजान शहर में हो आता है, दिल से बददुआ निकलती है खुदा तेरे लिए जब किसी और का इश्क मुकम्मल हो जाता है। अगला, माना तू आसमान से तारे की तरह टूटा है। माना, अगले आप दोबारा अपने आप को गलत पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा सुनना। माना तू आसमान से तारे की तरह टूटा है, तेरे बारे में सुना है कि तू शायर सच्चा लेकिन नासिक झूठा है। एक लाइन है, मैंने मतलब बहुत बड़ी लाइन लिखी अपने बारे में, लोगों ने कहा है इसलिए लिखा है, तो माफ़ करना, कि गालिब जैसे लिखते हो बेवफाओं जैसे दिखते हो, गालिब जैसे दिखते हो गालिब जैसे लिखते हो बेवफाओं जैसे दिखते हो, शायर जिस तरह तुम मोहब्बत को बयां करते हो शायर का मासिक ज़्यादा लगते हो। अगला, कोई नहीं हो सकता मैं वो होना चाहता हूँ, कोई नहीं हो सकता मैं वो होना चाहता हूँ, तेरी बेवफाई को माफ़ करके मैं खुदा होना चाहता हूँ। अगला, अच्छा मतलब ये ऐसे है कि मैं हर बार ना अपना गलत पोएट करता हूँ, तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा से उसके जवाब में कुछ लिखा है कि कितनी मासूमियत से तुम अपने लहजे को पन्नों पर सजाते हो, कितनी मासूमियत से तुम अपने लहजे को पन्नों पर सजाते हो, बेवफा सितमगर जाने क्या क्या खुद के बारे में बताते हो, लेकिन जितना हमने तुम्हारे बारे में जाना शायर तुम इतने बुरे नहीं जितना तुम खुद को बताते हो। अगला, किसी की खूबसूरती के ऊपर लिखा है, कोई भी मान लेना आप, ठीक है। वो जो परिंदा है तुम्हें देखने के बाद तो उड़ना भूल जाता होगा, वो जो परिंदा है तुम्हें देखने के बाद तो उड़ना भूल जाता होगा, हमारी तो सुनता तक नहीं है ये खुदा मगर तुम्हारे लिए तो मर जाता होगा। अच्छा हाँ, एक थोड़ा सा पॉइंट मारा मैंने, मतलब हम तारीफ मार किसी को चांद तारे ये सब बोल देते ना, तो उस पर मैंने कुछ लिखाया, देखना ज़रा, कि माना तेरे जैसा नूर कहीं नहीं, माना
तेरे जैसा नूर कहीं नहीं, मगर तारीफ़ में हर किसी को चांद कह देना भी सही नहीं। अगली है, अरे तुम्हें क्या पता उनके दिल लगी कितना, सॉरी, अरे तुम्हें क्या पता उनके दिल लगी कितनों को मार गई, तुम्हें क्या पता उनके दिल लगी कितनों को मार गई, मैं यूँ बेवफा ना हुआ करता था यारो, मुझे तो मेरी महबूबा बिगाड़ गई। अच्छा एक और था कि मेरे बिना सांसें नहीं ले पाते थे, अब किसी और के लिए तड़पने लगे हो। मेरे बिना सांसें नहीं ले पाते थे, अब किसी और के लिए तड़पने लगे हो। दो चार बात तुमने मोहब्बत पे क्या लिख दी शायर, तुम खुद को शायर समझने लगे हो। मैं आज भी तुझे अपना चैन और आराम मानता हूँ, मैं आज भी तुझे अपना चैन और अपना आराम मानता हूँ, मैं आज भी तेरे घर को मस्जिद और तुझे अपना कुरान मानता हूँ। अच्छा दोबारा अपने आप को गलत पोइट करा है, ज़रा सुनना। उनसे भी क्या कहें दिल तो हमारा भी एक जगह नहीं लगता, उनसे भी क्या कहें दिल तो हमारा भी एक जगह नहीं लगता, तुम ही बताओ मैं उनसे कैसे कह दूँ मैं तुम्हारे सिवा किसी और पे नहीं मरता। एक और, उनसे एक बार नाराज़ होकर हम भी देखते हैं, उनसे एक बार नाराज़ होकर हम भी देखते हैं, सुना है मोहब्बत मजाक है, एक मजाक हम भी करके देखते हैं। अच्छा एक और, वो हमारे दर्द बने तो हम उनके गम हो गए, वो हमारे दर्द बने तो हम उनके गम हो गए, वो बेशरम बने तो हम उनसे ज़्यादा बेशरम हो गए। अच्छा एक और था कि मतलब शायद रियल लाइफ पे बेस, ज़रा सुनना कैसा है बताना, कि अब तो ये दिल बिगड़ा जा रहा है, अब तो ये दिल बिगड़ा जा रहा है, तुम्हें भुलाने के बहाना देखे किसी और का दिल दुखाया जा रहा है। तुम कभी आप करती हो, मतलब वो मेरे को जिस तरह बोलती है वो बता रहा हूँ मैं, कि तुम कभी आप करती हो, कभी प्यार से तो कभी बेरुखी से बात करती हो, अजीम मोहतरमा तुम प्यार करती हो या मजाक करती हो। हो गया, चलो काफ़ी करा, बहुत बहुत शुक्रिया।